जाएंगे भैया। और किस लिए बैठे हैं मैडम? ओटीपी? ओटीपी? हाँ ओटीपी तो देना पड़ेगा ना, आपके फोन में आया होगा ना। आई नो भैया, बट मैं आपको अपना ओटीपी नहीं दे सकती। क्यों मैडम? क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा है कि आरबीआई के एड में अमिताभ बच्चन ने कहा है कि आरबीआई कहता है कि किसी को भी अपना ओटीपी और एटीएम पिन नहीं देने चाहिए, तो मैं तो अपना ओटीपी आपको बिल्कुल नहीं देने वाली। अच्छा ठीक है, जाना कहाँ है? ऑब्वियसली घर भैया। घर? हाँ। हेलो। हाँ बेबी। अरे वो ना मेरी ना BMW खराब हो गई थी यार पिछले चौक पे। हाँ मैं मर्सिडीज मंगवा ली। ठीक है। अरे आपसे बात करता हुआ ड्राइव थोड़ा ना करूंगा यार। ड्राइवर किस लिए रखा है? 45,000 तनख्वाह देता हूँ, 45,000। हाँ अरे नहीं नहीं बेबी, मैं आपको इस मंथली गिफ्ट नहीं दे सकता यार। वो ना मेरी मम्मी का बर्थडे आ रहा है ना, तो उनके लिए मैंने 2.5 करोड़ की डायमंड की रिंग लिया, डायमंड की रिंग। हाँ तो मेरी सारी पॉकेट मनी वहीं लग गई यार। हाँ अच्छा ठीक है, चलो फिर बाद में बात करते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। A few minutes later. सर आपके 20 रुपए हो गए सर। 20 रुपए? यहाँ पे तो 15 दिखा रहा है। सर ये देखिए 20 रुपए दिखा रहा है। 20 रुपए नहीं दूंगा मैं, 18 में बात पूरी करो। मजो तो चिल्लर इकट्ठे होते हैं यार मेरे पास। मम्मी मार दी यार घर पे मेरे को। तो उनके लिए मैंने 2.5 करोड़ की डायमंड की रिंग लिया, डायमंड की रिंग। ऐसा भी क्या मांग लिया था उससे? 15,000 का गुची का बैग ही तो मांगा था। नहीं आप बताओ, अगर आपकी सैलरी 16,000 रुपए है तो क्या आप 15,000 का मुझे गुची का हैंडबैग निकला सकते हो? अगर फिर क्या हुआ कि माँ की दवाई लेनी है, भाई का स्कूल फीस है, घर का राशन है, बहन को बुक्स दिलानी है, मेरी क्या कोई जगह नहीं उसकी लाइफ में? सही बात है। दो साल तक मुझे ये बोल बोल के चूना लगाया और कहीं शादी कर ली बहन, बराबर में से निकल के जाती है रोज, स्विफ्ट डिजायर में बैठ के। क्या स्माइल? हाँ पापा वो ना फोटोज भेज दिए मैंने। भैया ये गाड़ी कौन सी है? क्विड है मैडम। ओके क्विड कह रहे हैं पापा। और ये गाड़ी का मॉडल कौन सा है? 2020। 2020। गाड़ी का कलर कौन सा है? येलो है। येलो? पर भैया वो तो वाइट था। जब दिख रहा है मैडम, तू बार बार काहे पूछ रही हो? अच्छा अच्छा वाइट है पापा। और गाड़ी के टायर्स कौन से हैं? सीए के। सीए के है पापा। और ये भैया ऐसे इतना फास्ट क्यों है? थोड़ा कम करो, मुझे सर्दी लग जाएगी। भैया आप तो आपने पूरा बंद ही कर दिया, देख नहीं रहे कितनी गर्मी है बाहर। A few minutes later. मैडम आपकी लोकेशन आ गई। हाँ पापा मैं पहुँच गई। भैया पापा पूछ रहे हैं आपने 1.5 मिनट लेट कैसे किया। बात करवा दीजिए मेरे सर। जो ये अपने करवा रहे हो ना, फोटो खिंचवा रहे हो लड़की से, निकले यहाँ से। चलो भाई। अंकल जी ओटीपी। ओए साड़ा तुम सानू ओटीपी कहूगा? अरे अंकल जी मेरा मतलब की मतलब? साड़ा पहला तो सानू शॉर्ट फॉर्म च गाल कट गया, तो हुन मतलब दी गल करदा। A few minutes later. ओए यार थोड़ा तेज चला ला अपनी मां नू, मैं अज ही घर पहुंचना। एक ता साला मैनु अजकल दे मुंडिया दा नहीं पता लगदा, पता नहीं की बनूंगा इना दा यार। A few minutes later. ओए ओए होली चला अपनी मां नु, ओ हराम जादिया होली चला ला अपनी मां नु, होली चला। ओए मारेगा तू मैनु स्वर्ग च भेजेगा। अरे आप, मैंने सोचा था कोई सुंदर लड़की आ रही है, आप तो कच्चा बादाम वाली है ना। आप जानते हैं मुझे? नहीं बिल्कुल भी नहीं, जानना भी नहीं चाहता। मैंने भी सोचा था कि बहुत अच्छी गाड़ी होगी, कोई हैंडसम हंक होगा। हो शक्ल के हिसाब से लोग मिलते हैं, और मैं तो आपके लिए शाहरुख खान होऊंगा। सीक्रेट फिल्मों के शाहरुख खान है ना? आपको तो मैं राखी सावंत भी नहीं बोल सकता। चलो कोई नहीं, मजबूरी में छोड़ दूंगा आपको। कहाँ जाना है मैडम?
आपको पक्का घाट गोबर जाना होगा, शक्ल बताती है। कहीं अच्छी जगह तो आप जाओगी नहीं वैसे भी। चुप करके ना तुम गाड़ी चलाओ, अगर मजबूरी ना होती ना तो तुम्हारी गाड़ी में बैठती भी नहीं। ओ, मेरी मजबूरी जाओ को बिठा लिया, हाथ बंधे हैं कंपनी के काम से। इस शक्ल में से मैं पैसे भी ना लूं, एक काम करता हूं मैं ना कुत्तों को डाल दूंगा वो पैसे को खाना, मुझे दुआ देंगे। ये क्या देखना पड़ रहा है, ये चलो ठीक है, अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए तो मेरे पैसे भी बच जाएंगे। आज तुम यही तो सोच रही हो कहीं से पैसे बच जाएं, मुझे जानता हूं मैं तुम्हें चार नंबर कॉलोनी को जानता हूं।